भारत माता की, भारत माता की। कर्नाटका के राज्यपाल श्री थावरचंद गहलोत जी, मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री भगवंत खुबा जी, कर्नाटका सरकार के मंत्रीगण, सांसद एवं विधायकगण और विशाल संख्या में हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कर्नाटका दा एल्ला सहोदरा सहोदरियारिगे नन्ना वंदनेगळु। जहां जहां मेरी नजर पहुंचती है, लोग ही लोग नजर आते हैं। हेलीपैड भी चारों तरफ से भरा पड़ा है और यहां भी मैं पीछे देख रहा हूं, चारों तरफ इस पंडाल के बाहर हजारों लोग धूप में खड़े हैं। आपका ये प्यार, आपके आशीर्वाद हम सबकी बहुत बड़ी ताकत है। साथियों, यादगीर एक समृद्ध इतिहास को संजोए हुए है। रट्टी हल्ली का प्राचीन किला हमारे अतीत, हमारे पूर्वजों के सामर्थ्य का प्रतीक है। हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति और हमारी विरासत से जुड़े अनेक अंश, अनेक स्थान हमारे क्षेत्र में मौजूद है। यहां उस सुरापुर रियासत की धरोहर है जिसे महान राजा वेंकटप्पा नायक ने अपने स्वराज और सुशासन से देश में विख्यात कर दिया था। इस धरोहर पर हम सभी को गर्व है। भाइयों और बहनों, मैं आज कर्नाटका के विकास से जुड़े हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स आपको सौंपने और नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने आया हूं। अभी यहां पानी और सड़क से जुड़े बहुत बड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। नारणपुर लेप बैंक कैनाल के विस्तार और आधुनिकीकरण से यादगीर, कलबुर्गी और विजयपुर जिले के लाखों किसानों को सीधा सीधा लाभ होने वाला है। यादगीर विलेज मल्टी वॉटर सप्लाई स्कीम से भी जिले के लाखों परिवारों को पीने का साफ पानी मिलने वाला है। सूरत चेन्नई इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो हिस्सा कर्नाटका में पड़ता है, उस पर भी
आज काम शुरू हुआ है। इससे यादगीर, रायचूर और कलबुर्गी सहित इस पूरे क्षेत्र में ईज ऑफ लिविंग भी बढ़ेगी और यहां उद्यमों को, रोजगारों को भी बहुत बल मिलने वाला है। विकास के इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए यादगीर के, कर्नाटका के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। मैं बोम्मई जी के और उनकी पूरी टीम को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। जिस प्रकार उत्तर कर्नाटका के विकास के लिए तेजी से काम हो रहा है वो सराहनीय है। भाइयों और बहनों, भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अब देश अगले 25 वर्षों के नए संकल्पों को सिद्ध करने के लिए आगे बढ़ रहा है। ये 25 साल देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए अमृत काल है, प्रत्येक राज्य के लिए अमृत काल है। इस अमृत काल में हमें विकसित भारत का निर्माण करना है। भारत विकसित तब हो सकता है जब देश का हर नागरिक, हर परिवार, हर राज्य इस अभियान से जुड़े। भारत विकसित तब हो सकता है जब खेत में काम करने वाला किसान हो या फिर उद्योगों में काम करने वाला श्रमिक, सभी का जीवन बेहतर हो। भारत विकसित तब हो सकता है जब खेत में फसल भी अच्छी हो और फैक्ट्रियों का भी विस्तार हो। और साथियों, ये तभी संभव है जब हम बीते दशकों के खराब अनुभवों, गलत नीति रणनीति से सीखें, उन्हें फिर से दोहराने से बचें। हमारे सामने यादगीर का, उत्तर कर्नाटका का उदाहरण है। इस क्षेत्र का सामर्थ्य किसी से कम नहीं है। इस सामर्थ्य के बावजूद ये क्षेत्र विकास की यात्रा में बहुत पीछे रह गया था। पहले जो सरकारें थी उसने यादगीर सहित अनेक जिलों को पिछड़ा घोषित कर अपनी जिम्मेदारी से हाथ धो दिए थे। इस क्षेत्र के पीछे रहने का कारण क्या है? यहां का पिछड़ापन कैसे दूर होगा? इस पर पहले की सरकारों ने न सोचने के लिए समय निकाला, मेहनत करना तो दूर की बात रही। जब सड़क, बिजली और पानी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश करने का समय था, तब उस समय जो दल सरकारों में थे, उन दलों ने वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा दिया। इस जाति, उस मत मजहब का वोट पक्का वोट कैसे बन जाए? हर योजना, हर कार्यक्रम को इसी दायरे में बांध करके रखा। इसका बहुत बड़ा नुकसान कर्नाटका ने उठाया, इस हमारे पूरे क्षेत्र ने उठाया, आप सब मेरे भाइयों बहनों ने उठाया।
साथियों, हमारी सरकार की प्राथमिकता वोट बैंक नहीं है, हमारी प्राथमिकता है विकास, विकास और विकास। 2014 में आप सबने मुझे आशीर्वाद दिए, मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। मैं जानता हूं कि जब तक देश का एक भी जिला विकास के पैमाने पर पीछा रहेगा, तब तक देश विकसित नहीं हो सकता। इसलिए जिनको पहले की सरकार ने पिछड़ा घोषित किया, उन जिलों में हमने विकास की आकांक्षा को प्रोत्साहित किया। हमारी सरकार ने यादगिर सहित देश के 100 से अधिक ऐसे जिलों में आकांक्षी जिला कार्यक्रम शुरू किया। हमने इन जिलों में सुशासन पर बल दिया, गुड गवर्नेंस पर बल दिया, विकास के हर पैमाने पर काम शुरू किया। यादगिर सहित सभी आकांक्षी जिलों को इसका लाभ भी मिला है। आज देखिए, यादगिर ने बच्चों का 100% टीकाकरण कर दिखाया है। यादगिर जिले में कुपोषित बच्चों की संख्या में बहुत कमी आई है। यहां के 100% गांव सड़कों से जुड़ चुके हैं। ग्राम पंचायतों में डिजिटल सेवाएं देने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कनेक्टिविटी हो, हर प्रकार से यादगिर जिले का प्रदर्शन टॉप टेन आकांक्षी जिलों में रहा है। और इसके लिए मैं यादगिर जिले के जनप्रतिनिधियों को, यहां के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज यादगिर जिले में नए उद्योग आ रहे हैं। केंद्र सरकार ने यहां फार्मा पार्क की स्वीकृति भी दे दी है। भाइयों और बहनों, वाटर सिक्योरिटी एक ऐसा विषय है जो 21वीं सदी के भारत के विकास के लिए बहुत जरूरी है। भारत को विकसित होना है तो बॉर्डर सिक्योरिटी, कोस्टल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी के तरह ही वाटर सिक्योरिटी से जुड़ी चुनौतियों को भी समाप्त करना ही होगा। डबल इंजन की सरकार सुविधा और संचय की सोच के साथ काम कर रही है। 2014 में जब आपने हमें अवसर दिया, तब 99 ऐसी सिंचाई परियोजनाएं थी जो दशकों से लटकी हुई थी। आज इनमें से 50 के करीब योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। हमने पुरानी योजनाओं पर भी काम किया और जो संसाधन हमारे पास पहले से थे उनके विस्तार पर भी बल दिया। कर्नाटका में भी ऐसे अनेक प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। नदियों को जोड़कर सूखा प्रभावित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाया जा रहा है। नारायणपुरा लेप बैंक कैनल सिस्टम का विकास और विस्तार भी इसी नीति का हिस्सा है। अब जो नया सिस्टम बना है, जो नई तकनीक इसमें जोड़ी गई है, इससे 4.5 लाख हेक्टर भूमि
सिंचाई के दायरे में आएगी। अब कैनाल के आखिरी छोर तक भी पर्याप्त पानी पर्याप्त समय के लिए आ पाएगा। साथियों, आज देश में पर ड्रॉप मोर क्रॉप पर, माइक्रो इरिगेशन पर अभूतपूर्व बल दिया जा रहा है। बीते 6-7 सालों में 70 लाख हेक्टेयर भूमि को माइक्रो इरिगेशन के दायरे में लाया गया है। कर्नाटका में भी इसको लेकर के बहुत अच्छा काम हुआ है। आज कर्नाटका में माइक्रो इरिगेशन से जुड़े जिन प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है उससे 5 लाख हेक्टेयर भूमि को लाभ होगा। डबल इंजन सरकार भूजल के स्तर को ऊपर उठाने के लिए भी बड़े स्तर पर काम कर रही है। अटल भूजल योजना हो, अमृत सरोवर अभियान के तहत हर जिले में 75 तालाब बनाने की योजना हो, या फिर कर्नाटका सरकार की अपनी योजनाएं, इसे जल स्तर बनाए रखने में मदद मिलेगी। भाइयों और बहनों, डबल इंजन सरकार कैसे काम कर रही है इसका बेहतरीन उदाहरण जल जीवन मिशन में भी दिखता है। 3.5 साल पहले जब ये मिशन शुरू हुआ था तब देश के 18 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से सिर्फ 3 करोड़ ग्रामीण परिवारों के पास नल कनेक्शन था। आज देश के लगभग, यह आंकड़ा याद रखना, हम जब सरकार में आए थे तब 3 करोड़ घरों में, आज देश के लगभग 11 करोड़ ग्रामीण परिवारों के घरों में नल से जल आने लगा है। यानी हमारी सरकार ने देश में 8 करोड़ नए ग्रामीण परिवारों तक पाइप से पानी पहुंचाया है और इसमें कर्नाटका के भी 35 लाख ग्रामीण परिवार शामिल है। मुझे खुशी है कि यादगिर और रायचूर में हर घर जल की कवरेज कर्नाटका और देश की कुल औसत से भी अधिक है। और जब नल से जल घर में पहुंचता है ना, तो माताएं बहनें मोदी को भरपूर आशीर्वाद देती है। हर दिन जब पानी आता है मोदी के लिए उनके आशीर्वाद बहने शुरू हो जाते हैं। आज जिस योजना का शिलान्यास हुआ है उससे यादगिर में घर घर नल से जल पहुंचाने के लक्ष्य को और गति मिलेगी। जल जीवन मिशन का एक और लाभ मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक स्टडी में सामने आया है कि भारत के जल जीवन मिशन की वजह से हर साल 1.25 लाख से अधिक बच्चों का जीवन हम बचा पाएंगे। आप कल्पना कर सकते हैं, 1.25 लाख बच्चे प्रति वर्ष मौत के मुख में जाने से बच जाते हैं तो ईश्वर भी तो आशीर्वाद देता है। साथियों, जनता जनार्दन भी आशीर्वाद देती है। साथियों, दूषित पानी की वजह से हमारे बच्चों पर कितना बड़ा संकट था,
और अब कैसे हमारी सरकार ने आपके बच्चों का जीवन बचाया है। भाइयों और बहनों, हर घर जल अभियान डबल इंजन सरकार के डबल बेनिफिट का भी उदाहरण है। डबल इंजन यानी डबल वेलफेयर, डबल तेजी से विकास। कर्नाटका को इससे कैसे लाभ हो रहा है आप लोग तो भलीभांति जानते हैं। केंद्र सरकार किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6000 रुपये देती है, वहीं कर्नाटका सरकार इसमें 4000 रुपया और जोड़ती है ताकि किसानों को डबल लाभ हो। यहां यादगिर के भी लगभग 1.25 लाख किसान परिवारों को भी पीएम किसान सम्मान निधि के लगभग 250 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। साथियों, केंद्र सरकार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई है, वहीं कर्नाटका सरकार विद्या निधि योजना से गरीब परिवारों के बच्चों की अच्छी शिक्षा में मदद कर रही है। केंद्र सरकार महामारी और दूसरे संकटों के बावजूद तेज विकास के लिए कदम उठाती है, वहीं राज्य सरकार इसका लाभ उठाते हुए कर्नाटका को देश में निवेशकों की पहली पसंद बनाने के लिए आगे बढ़ रही है। केंद्र सरकार बुनकरों को मुद्रा योजना के तहत मदद देती है, वहीं कर्नाटका सरकार महामारी के दौरान उनका ऋण माफ करती है और उन्हें आर्थिक सहायता भी देती है। तो हुआ ना डबल इंजन का, यानी डबल बेनिफिट। साथियों, आजादी के इतने वर्षों बाद भी अगर कोई व्यक्ति वंचित है, कोई वर्ग वंचित है, कोई क्षेत्र वंचित है, तो उस वंचित को हमारी सरकार सबसे ज्यादा वरीयता दे रही है। और वंचितों को वरीयता, ये है हम लोगों का कार्य करने का राह है, संकल्प है, मंत्र है। हमारे देश में दशकों तक करोड़ों छोटे किसान भी हर सुख सुविधा से वंचित रहे, सरकारी नीतियों में उनका ध्यान तक नहीं रखा गया। आज यही छोटा किसान देश की कृषि नीति की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। आज हम किसान को मशीनों के लिए मदद दे रहे हैं, ड्रोन जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी की तरफ ले जा रहे हैं, नैनो यूरिया जैसी आधुनिक खाद उपलब्ध करा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्राकृतिक खेती को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। आज छोटे किसान को भी किसान क्रेडिट कार्ड दिए जा रहे हैं। छोटे किसान फिर भूमिहीन परिवारों को अतिरिक्त आय हो, इसके लिए पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, उसके लिए भी मदद दी जा रही है। भाइयों और बहनों, आज जब मैं यादगिर आया हूं तो कर्नाटका के परिश्रम किसानों का एक और बात के लिए भी आभार व्यक्त करूंगा। ये क्षेत्र दाल का कटोरा है, यहां की दालें देश भर में पहुंचती है। बीते 7-8 वर्षों में अगर भारत ने दालों के लिए अपने विदेशी निर्भरता को कम किया है तो इसमें उत्तर कर्नाटका के किसानों की बहुत बड़ी भूमिका है। केंद्र सरकार ने भी इन 8 वर्षों में किसानों से 80 गुना अधिक दाल एमएसपी पर खरीदी। 2014 से पहले जहां दाल किसानों को कुछ 100 करोड़ रुपए मिलते थे, वहीं हमारी सरकार ने दाल वाले किसानों को
60,000 करोड़ रुपये दिए हैं। अब देश खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता के लिए भी विशेष अभियान चला रहा है। इसका लाभ भी कर्नाटका के किसानों को जरूर उठाना चाहिए। आज बायोफ्यूल इथेनॉल के उत्पादन और उपयोग के लिए भी देश में बहुत बड़े स्तर पर काम चल रहा है। सरकार ने पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग का लक्ष्य भी बढ़ा दिया है। इससे भी कर्नाटका के गन्ना किसानों को बहुत लाभ होने वाला है। साथियों, एक और बड़ा अवसर आज दुनिया में पैदा हो रहा है, जिसका लाभ कर्नाटका के किसानों, विशेष रूप से छोटे किसानों को जरूर होगा। भारत के आग्रह पर संयुक्त राष्ट्र ने, यूनाइटेड नेशन ने इस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया है। कर्नाटका में ज्वार और रागी जैसे मोटे अनाज की बहुत पैदावार होती है। अपने इस पौष्टिक मोटे अनाज की पैदावार बढ़ाने और इसे विश्व भर में प्रमोट करने के लिए डबल इंजन सरकार प्रतिबद्ध है। मुझे विश्वास है कि कर्नाटका के किसान इसमें भी अग्रणी भूमिका निभाएंगे। भाइयों और बहनों, उत्तर कर्नाटका की एक और चुनौती को हमारी सरकार कम करने का प्रयास कर रही है। ये चुनौती है कनेक्टिविटी की। खेती हो, उद्योग हो या फिर पर्यटन, सभी के लिए कनेक्टिविटी उतनी ही जरूरी है। आज जब देश कनेक्टिविटी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल दे रहा है, तो डबल इंजन सरकार होने के कारण कर्नाटका को भी इसका अधिक लाभ मिल पा रहा है। सूरत चेन्नई इकोनॉमिक कॉरिडोर का लाभ भी नॉर्थ कर्नाटका के एक बड़े हिस्से को होने वाला है। देश की दो बड़े पोर्ट सिटी के कनेक्ट होने से इस पूरे क्षेत्र में नए उद्योगों के लिए संभावनाएं बनेगी। नॉर्थ कर्नाटका के पर्यटक स्थलों, तीर्थों तक पहुंचना भी देशवासियों के लिए आसान हो जाएगा। इससे यहां युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के हजारों नए अवसर बनेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर और रिफॉर्म पर डबल इंजन सरकार के फोकस के कारण कर्नाटका निवेशकों की पसंद बन रहा है। भविष्य में ये निवेश और बढ़ने वाला है, क्योंकि भारत में निवेश को लेकर पूरी दुनिया में उत्साह है। मुझे विश्वास है कि नॉर्थ कर्नाटका को भी इस उत्साह का भरपूर लाभ मिलेगा। इस क्षेत्र का विकास सबके लिए समृद्धि लेकर आए, इसी कामना के साथ फिर एक बार इतनी बड़ी तादाद में आकर के हमें आशीर्वाद देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और इस अनेक अनेक विकास की योजनाओं के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद।